Hey everyone, today I am going to start new series of class 9. तो क्लास 9 की न्यू सीरीज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। 10th की भी की हूँ और एक एक करके वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ और 9th की भी स्टार्ट कर ली क्योंकि क्लासेस तो स्टार्ट हो ही गई हैं, तो फिर 9th क्लास ही क्यों डिले रह जाए। तो इसको भी मैं स्टार्ट की हूँ, तो अब एक एक करके चैप्टर इसमें मैं दूंगी। तो फिर लेट्स बिगेन, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक का लेते हैं जो कि बिहाइव टेक्स्ट बुक है, तो बिहाइव टेक्स्ट बुक का ले लेंगे, है ना। तो अब देख लेंगे थोड़ा सा क्या क्या कंटेंट्स है इसमें। तो द फन दे हैड, ये एक कंटेंट है। मतलब इसमें है क्या ना कि हर एक चैप्टर में एक आपका चैप्टर है ना, और एक पोयम है साथ में, ठीक है। तो हर एक चैप्टर में इस तरीके से है, तो एक एक करके हम लोग देख लेंगे। तो जब मैं और बाकी की चीजें पढ़ाऊंगी तो फिर वो सबको लेकर डिस्कस करूंगी। तो अभी डिले नहीं करते और स्टार्ट कर देते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग द फन दे हैड। तो अब द फन दे हैड क्या है, इसमें किस क्या क्या चीजें हैं, इसको हम लोग देख लेंगे। अब इसके बाद फिर एक पोएम भी है, द रोड नॉट टेकन, ठीक है। तो ये भी रॉबर्ट फॉस्ट की है। और ये जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर है, ये है आपकी इसाक एसिमोव की, ठीक है। इसाक एसिमोव जो कि राइटर हैं। तो अब फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो द फन दे हैड, है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि वे लोग बहुत फन करते थे। वे लोग करते थे यानी पास्ट का इवेंट आ रहा है, ठीक है, करते थे पास्ट का इवेंट आ रहा है। तो ऐसा बोला जा रहा है, किसी के थ्रू बोला जा रहा है ये चीज, है ना, कि वो लोग कितने फन करते थे, है ना। तो अब स्टोरी स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा जो व्यूज है उसको देख लेंगे कि आखिर है क्या, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, है ना। ये जो स्टोरी है ना, ये सेट किया गया है फ्यूचर को लेके, इस चीज को सेट किया गया है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, मतलब उस समय ये जो बुक्स हैं या फिर स्कूल्स हैं तो वो नहीं हुई, मतलब होंगी उस समय, नहीं होंगी, फ्यूचर का सेंस लिया जा रहा है, ठीक है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे अगर बुक्स नहीं होंगे, टीचर नहीं होंगे, स्कूल नहीं होंगे, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज, तो अब नीचे ये डायग्राम दिया गया, इससे कुछ आइडियाज आ सकता है कि अगर स्कूल नहीं होंगी रेगुलर, बच्चे नहीं होंगे, टीचर मतलब नहीं, अगर चिल्ड्रन तो होंगे ही, टीचर नहीं होंगे, स्कूल नहीं होंगे, क्लासेस नहीं होंगे, बुक्स नहीं होंगे, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ ये जो पिक्चर है इसमें देख लेंगे, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, ठीक है, हम लोग कंप्यूटर से पढ़ेंगे, है ना। वर्चुअल क्लासेस होंगी, वर्चुअल क्लासेस मीन्स मतलब किसी भी तरह का जो ग्रुप में स्टडी होता है या फिर जो टीचर सामने से बैठ के पढ़ाते हैं वो वाला नहीं होगा। रोबोट टीचर तो होंगे लेकिन वो रोबोट होंगे, है ना, रोबोट से पढ़ेंगे, ठीक है। अब मूविंग ई टेक्स्ट क्या होता है कि कंप्यूटर में ही आपके जितने भी लेसन है ना वो कंप्यूटर में ही अपलोड कर लिए जाते हैं और उसी में से टेक्स्ट क्लिक करके टेक्स्ट आते जाते हैं, उसी में से जो बच्चे हैं वो पढ़ते आते हैं। तो बच्चे अपने घर पे भी पढ़ते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये जो कोविड आया था, तो कोविड में देखे होंगे ऑनलाइन क्लासेस घर में ही होती थी, तो अब घर में होती थी तो बच्चे घर में ही पढ़ते थे, है ना। हाँ, हालांकि अभी बच्चों के पास बुक्स होती थी, बच्चे अपने बुक से पढ़ते थे, लेकिन जो इन फ्यूचर जो आने वाला है उसमें क्या होगा कि बुक्स भी नहीं रहेंगी, सारी चीजें टेक्स्ट में ही मिल जाएंगी, कंप्यूटर के टेक्स्ट ई टेक्स्ट में ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये एक भविष्य की कल्पना की जा रही है, ठीक है, कि भविष्य में इस तरीके से होगा। अभी भी बहुत सारी चीजें हम लोग को मिल जाती है अभी के जो जनरेशन में है, और उस समय तो बिल्कुल स्कूल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ इसमें व्यूज है, ठीक है, जो हम लोग आगे इसमें देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि स्टार्ट कहाँ से होता है ये। तो इसका कैरेक्टर, इनका जो अभी कैरेक्टर भी है, मार्गी है ना, टॉमी है ना, तो आगे भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखते जाते हैं और पढ़ते भी जाते हैं। तो ये जो बुक है ये पहले मतलब फ्यूचर में पास्ट का बुक मिलता है किसको, ये जो मार्गी है ना, मार्गी ये एक कैरेक्टर है, ठीक है।
तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी जो होती है तो वो अपने डायरी में रात में कुछ लिखती है। नाउ द पेज हेडेड, और वो अपने पेज में, जब डायरी एंट्री तो आप लोग सीखे ही होंगे ना जूनियर क्लासेस में, तो डायरी एंट्री में क्या होता है कि जो हेडेड होता है ऊपर में, वहां पर डेट और सन दिया जाता है। तो वो भी क्या करती है, डेट देती है और सन देती है। तो डेट और सन देख सकते हैं 17 मई कितना है, देखिए 2157, सॉरी, मतलब कितना साल आगे का इसमें बात बता रहा है ना, 100 साल, 130 या 40 साल लगभग, उतना बताया जा रहा है इसमें डेट। तो ये फ्यूचर को इसमें लिया गया कि उस समय के बाद से अभी के चीजों को रिलेट किया जा रहा है, अभी से क्या और पास्ट की चीजों को रिलेट किया जा रहा है, जब कंप्यूटर भी नहीं थी, अभी तो खैर कंप्यूटर भी है। तो फ्यूचर के सेंस में पास्ट के सेंस को लिया जा रहा है और इस चीज को समझा जा रहा है। तो वो अपने डायरी में डेट लिखती है, तो डेट कितना आगे का है, फ्यूचर का है। शी रोट, वो लिखती है, टूडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब रियल बुक का क्या सेंस इसमें आ रहा है कि अब बुक, हम लोग को पता है कि भाई बुक क्या होती है, लेकिन उस जनरेशन को जब वो फ्यूचर में, एकदम फ्यूचर का बात जब हम लोग कर रहे हैं, तो उस जनरेशन को पता नहीं है कि बुक क्या होता है, तो इसीलिए वो लिख रही है कि रियल बुक है ना। तो मतलब इसका जो सेंस है, इससे ही पता चल रहा है कि कितना, मतलब उस समय बिल्कुल पता ही नहीं है कि बुक क्या होता है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो बिल्कुल ही पुरानी बुक थी, ठीक है, इस टाइप की बुक, जो पुरानी बुक हो जाती है ना, जिसके पन्ने बिल्कुल येलो हो जाते हैं और देखने से पता चलता है कि बहुत पुरानी बुक है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो इसके जो मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे ना, तो उनके भी जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने कहा था कि जब वे छोटे थे तो सारे जितने भी स्टोरीज होते थे ना, सारे प्रिंटेड होते थे पेपर में। ये चीज मार्गी ने सुना हुआ रखा था, किससे, ग्रैंडफादर से, ठीक है। दे टर्न द पेजेस, तो वे दोनों पेज को टर्न करते हैं, है ना, जो रियल बुक उन्हें मिली थी उसके पेज को टर्न करते हैं, ठीक है, जो वो डायरी में लिख रही है। विच वो योलो एंड क्रिंकली, तो क्रिंकली का मीनिंग यहाँ देख लेंगे ग्रोसरी में, विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, जिस बुक में बहुत तरीके की फोल्ड्स हो जाती है। और पुरानी बुक क्या होती है कि जब बहुत दिन तक उसको बंद करके रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी उसमें लाइनिंग पड़ जाती है, थोड़ी सी दरारें पड़ जाती है, थोड़ी मुड़ उड़ जाती है, तो उसको फिर क्रिंकली बोलते हैं, जिसमें फोल्ड्स लग जाती है और लाइनें हो जाती है, ठीक है। ये सब ग्रोसरी को ध्यान में रखना है ना, तब अच्छे से और समझ में आता है और वोकैबुलरी भी अच्छा इंप्रूव हो जाता है। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टील इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। तो उसमें वो लिखती है कि ये बहुत ज्यादा फनी था, ऑफुली अजीब था, फनी था, कि जो वर्ड्स रीड कर रहे थे हम लोग, वो बिल्कुल मूविंग वे में नहीं थे, मतलब वो बिल्कुल स्टे थे, स्थिर थे, है ना। बुक में तो भाई स्थिर होते हैं ना कोई भी चीज, अब बुक का तो जो है वो तो इधर उधर स्लाइड हम लोग कंप्यूटर वगैरह में चेंज कर लेते हैं, लेकिन उसमें तो नहीं कर सकते ना, वो तो बुक है। तो ये चीज बहुत अजीब लगा मार्गी को, है ना, उसको बहुत ज्यादा अजीब लगा कि वो बुक बिल्कुल मूव नहीं होती और जैसा स्क्रीन में होता है, ठीक है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो ये मार्गी लिखती है कि जब बुक को हम लोग पेज को टर्न करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि जो वर्ड्स है ना, वो जहां लिखी रहती है वही लिखी रहती है, ठीक है, उसमें जरा सा भी किसी भी तरह का मूविंग नहीं होता, ठीक है, वो वहीं पर रहती है। जो पन्ना जैसे पलटते हैं, फिर बैक पेज जब पलटते हैं, तो वो सेम चीज वही रहती है, उसमें जरा सा भी कुछ भी चेंजिंग नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर ये लिखती है कि सेम वर्ड ही वो उसमें रहता है, जैसा कि फर्स्ट टाइम उसमें पढ़ा गया था, ठीक है। अब आगे देख लेंगे। गी सेट
टॉमी, ठीक है, मैंने कहा था टॉमी भी इसमें कैरेक्टर है, तो टॉमी और जो मार्गी है ये दोनों नाइवर होते हैं, ठीक है, आस पड़ोस में रहते हैं, लेकिन ये जो टॉमी है ये सीनियर होता है ना, ये मार्गी से सीनियर होता है, ठीक है। तो इन मतलब इन लोगों को ये जो बुक है वो मिली थी और ये दोनों इस बुक को रीड कर रहे थे, ठीक है। तो उसी चीज को वो मार्गी जो है वो रात में डायरी में लिख रही थी कि आज हम लोगों ने एक बहुत ही एक रियल बुक को देखा। तो टॉमी भी था साथ में, तो फिर टॉमी बोलता है कि मतलब ये स्लैंग है, व्हाट अ वेस्ट, है ना, अरे ये क्या वेस्ट है, मतलब फालतू है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो अब ये बोलता है टॉमी कि बुक को हम लोग जब पढ़ लेते हैं ना, ये तो वेस्ट हो जाती है, बुक जब पढ़ लेते हैं या फिर उसको हम लोग फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी में दे देते हैं, तो फिर ये क्या वेस्ट ही तो हो जाती है ना बुक। तो ऐसा टॉमी बोलता है, आई गेस, मतलब ये गेस करता है, तो आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, है ना, ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लांटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। तो ये कंपेयर करता है यहाँ पर जो एक बुक होता है ना, जो पेपर वाली बुक होता है और जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट बुक होती है ई टेक्स्ट, तो उसे कंपेयर करता है कि इसको तो पढ़ के हम लोग फेंक देते हैं, इसका तो फिर कोई दोबारा काम होता नहीं है, क्योंकि एक क्लास में हम लोग जब क्लास मतलब प्रमोशन होता है तो फिर नीचे वाले क्लास का बुक का तो कोई काम होता नहीं है, तो उसको हम लोग, लेकिन जो टेलीविजन स्क्रीन में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें मिलियन बुक्स होती है, ठीक है, मिलियंस बुक होती है और भी ज्यादा, मतलब मिलियंस तो होती भी है और ये बहुत ज्यादा अच्छा है कि उसमें और ज्यादा मोर बुक, बहुत ज्यादा उसमें बुक इंक्लूड होता है, ठीक है। अब वो बोलता है कि आई वुडंट थ्रो इट अवे, और हम लोग इसे फेंक भी नहीं सकते क्योंकि ये स्टोर्ड होता है, जितना बुक है ना वो स्टोर्ड होता है और इसको हम लोग फेंकते भी नहीं है और ये वेस्ट भी नहीं होता। सेम विथ माइन, ये चीज कौन बोलता है, ये चीज बोलती है मार्गी कि हाँ मैं भी यही चीज सोचती हूँ। फिर मार्गी बोलती है, सैड मार्गी शी वॉज 11, मार्गी कितने साल की होती है, 11 ईयर्स की होती है, सब बिल्कुल याद रखना है ना, हो सकता है कि जो ऑप्शन क्वेश्चन है उसमें आ जाए, तो ये सब छोटे छोटे चीजों को याद रखना है कि मार्गी का उम्र कितना था, एज कितना था, 11, एंड हैडंट सीन एज मेनी टैली बुक्स एज टॉमी हैड, और टॉमी से सीनियर होता है तो उसने ज्यादा बुक जो ई टेक्स्ट बुक होता है वो उसने ज्यादा नहीं पढ़ा, किसके मुकाबले में, टॉमी के मुकाबले में, क्योंकि टॉमी क्या था, उससे सीनियर था और उसने ज्यादा टेक्स्ट बुक पढ़े थे, किसकी तुलना में, जो ये मार्गी है, ठीक है। ही वॉज 13, और जो टॉमी है उसका उम्र कितना था, 13, इसको भी याद रखना है। शी सेड, अब मार्गी बोलती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, तो फिर मार्गी बोलती है वो बुक एक्चुअली में मिलता है टॉमी को, तो फिर मार्गी पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली, ठीक है, तो इन माई हाउस, तो टॉमी बोलता है मेरे घर से, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, तो वो उसके चीज जो वो पूछती है उस चीज को देख के उसको आंसर नहीं करता क्योंकि वो बुक पढ़ने में बिजी होता है, बस ऐसे ही जवाब दे देता है कि हाँ मेरे घर से। इन द एटिक, एटिक होता है कि जो पूरा, देखिए एटिक यहाँ पर लिखा हुआ है, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, घर में जो एक अलग से कमरा होता है जहां पर यूजलेस चीजों को हम लोग रखते हैं जो कि उतना यूज में नहीं आती, तो उसको हम लोग स्टोर रूम बोलते हैं, तो स्टोर रूम में बहुत काफी पुरानी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। हम लोग तो कभी कभी मतलब इस टाइप की जो पुरानी चीजें मिलते उससे बहुत ज्यादा खेलते थे, पुरानी चीजें अगर कहीं दिख गई है ना तो उसको देख के फिर बहुत एंजॉय करते थे, तो बच्चे होते ही ऐसे पुरानी चीजों से कुछ मिल गया तो उसको देख के फिर उसे, तो यही चीज इन लोग के साथ हुआ था, तो उस जो टॉमी है उसे ये वाली बुक मिल गई थी। अब क्या हो गया कि वो उतना पॉइंटेड नहीं किया उसके बात को और वो पढ़ते पढ़ते ही जवाब दे दिया, व्हाट्स इट अबाउट स्कूल, तो फिर वो पूछती है कि क्या है इसमें, मतलब स्कूल है, मतलब बोलती है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो जवाब देता है कि स्कूल, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेंगे, मार्गी वॉज स्नोफुल, ठीक है, स्नोफुल का मतलब कम कंटेम्परेसियस शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, ठीक है। तो ये
मतलब ये ना वर्थलेस, यानी जैसे कोई काम का नहीं, मतलब ऐसे ही बेकार उस टाइप से। तो फिर मार्गी मतलब सोचती है, मतलब बेमतलब का जैसे होता है वर्थलेस, मतलब उसका कोई मोल नहीं है उस टाइप से, ठीक है। तो फिर वो बोलती है कि स्कूल वॉट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। तो फिर बोलती है कि अरे स्कूल तो क्या लिखा है इसमें, स्कूल के बारे में। आई हेट स्कूल। तो मार्गी बोलती है, मार्गी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, और बोलती है आई हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी को हमेशा से ही स्कूल पसंद नहीं था, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अभी तो वो बहुत ज्यादा ही हेट कर रही थी स्कूल को। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट अबाउट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। ठीक है, उससे अभी पहले तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इन दिनों उसे तो और भी ज्यादा बुरी, मतलब बुरा लग रहा था स्कूल। क्यों? क्योंकि जो उसकी मैकेनिकल टीचर थी, तो उसे वो बार बार क्या दे रही थी, उसे टास्क दे रही थी, होमवर्क दे रही थी, जिसे कि वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे। और उसके टेस्ट टेक्स्ट में जो नंबर आ रहे थे ना, वो बार 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 डिक्रीज होते जा रहे थे, बिल्कुल भी उसे अच्छे नंबर नहीं मिल रहे थे। तो इस चीज को लेके मार्गी बहुत ज्यादा क्या थी, उसे स्कूल से बिल्कुल नफरत हो रहा था। ठीक है, तो अब उसकी माँ बहुत परेशान हो गई इस चीज से कि अरे क्यों इसका बार बार ज्योग्राफी में इतना मार्क्स कम ही होते जा रहा है ना। ऐसे बच्चे में होता क्या है जनरली, कि अगर मार्क्स कम हो तो बच्चा से मेहनत करे, नेक्स्ट टाइम फिर हो जाता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हो रहा था, इसके साथ वर्स एंड वर्स बार बार जो है उसके मार्क्स घटते जा रहे थे, बिल्कुल एकदम नीचे डिक्रीज हो रहे थे। ठीक है, तो अब क्या होते है, उसकी माँ उसके माथे को शेक करती है और बिल्कुल उसे बहुत बुरा लगता है, और वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ ड्रिल्स एंड फायर्स, है ना। ड्रिल्स होता है जो जिससे ये करते हैं ना, पूरा ड्रिल करते हैं उस टाइप से, और वायर्स होते हैं जो तार वार। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। अब जो वो इंसान आता है ना, जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, तो काउंटी इंस्पेक्टर किसको बोलते हैं, ये कोई इंस्पेक्टर नहीं है जो बंदूक बंदूक लेके मार, वो नहीं है, ये जो कंप्यूटर और जो लैपटॉप होता है ना, इसको ठीक करने के लिए आते हैं। तो अपने साथ टूल्स भी लेके आया था, और जो उसी क्षेत्र का, उसी टेरिटरी का, उसी रीजन का जो होता है ना, जो मैकेनिक होता है, जो इस चीज को ठीक कर सकता है, उसी को काउंटी इंस्पेक्टर बोला गया। ठीक है, तो अब क्या उसका यहाँ पर दिया गया है कि वो कैसा दिखता है, है ना, उसका आउटलुक दिया गया है। तो वो राउंड है, मतलब अच्छा मोटा ताजा है, तो और वो थोड़ा सा नाटा भी है ना। उसका जो फेस है वो रेड है, ठीक है, और उसके पास बॉक्स है, ठीक है, जिसमें टूल्स भरा हुआ है, और मतलब जिसमें ये ड्रिल करते हैं, वायर्स है, सब कुछ है। ठीक है, ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी को देख के स्माइल करता है, ठीक है, और उसको ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एंड एप्पल, और उसे एक एप्पल देता है। ठीक है, देन टुक द टीचर अपार्ट, ठीक है, और फिर वो जाता है उस टीचर के पास में, जो मतलब वो जो रोबोट के पास में। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टूगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वेयर शोन एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड। तो फिर क्या होता है कि वो जो मार्गी है ना, वो आशा करती है कि जो खराबी हुआ है वो सही से नहीं ठीक हो पाए, लेकिन क्या होता है, उसे पता नहीं होगा कि किस तरीके से वो बनेगा। जो मैकेनिक आता है, उसे बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो जो उसका ई टेक्स्ट है वो ठीक हो जाए या रोबोट ठीक हो जाए। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक घंटे के अंदर जो होता है, उसे जो उसका मैकेनिकल टीचर काउंटी इंस्पेक्टर आता है वो ठीक कर देता है, और फिर से वो जो रोबोट होता है, जो ई टेक्स्ट होता है, वो चलने लगता है, और फिर से वो लार्ज बड़ा सा ब्लैक और अगली। जैसे हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, पहले क्या होता है, ब्लैक आता है, उसके बाद स्क्रीन शो करता है,
तो उसी तरीके से होता है विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स, और फिर वही बिग स्क्रीन आ जाता है एज इट इज जैसा होता है, और फिर क्या होता है कि फिर स्टार्ट हो जाता है उसका लेसन और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब स्टार्ट हो जाता है। दैट वॉजेंट सो बैड, है ना, वो बहुत ज्यादा बुरा था। द पार्ट मार्गी हेटेड एटिक, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, है ना, स्नोरफुल, है ना, कंप्रेचर्स सोइंग यू थिंक समथिंग इज वॉट। अच्छा ये यहीं पर आ गया है, ये आपका ये है, मतलब ये वर्ड मीनिंग जो है ना ये यहीं पर आ गया है, ये वर्ड मीनिंग है ये, ठीक है। विथ मैनी फोल्ड्स, और अब वो क्या था ना कि उसमें हाँ, तब क्या होता है कि ये, अब क्या होता है कि उसका जो ये था मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो कंप्यूटर में स्लॉट होता है ना, तो स्लॉट क्या होता है कि उसमें कोई भी पेपर या फिर टेक्स्ट जो होता है उसमें डाल दिया जाता है, स्लॉट के अंदर चला जाता है, फिर वहीं से चेकआउट होता है। तो क्या था कि स्टार्ट हो गया और फिर स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, है ना, टेक्स्ट पेपर, और उसने उसको क्या करना पड़ता है कि स्लॉट के अंदर जो है वो होमवर्क और पेपर डालना पड़ता है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और एक पंच कोड बोलते हैं कि एक भाषा होता है, एक लैंग्वेज होता है कंप्यूटर का, तो पंच कोड में ही वो अपना राइटिंग करके और वो स्लॉट में डाल देती है। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जब वो क्लास 6 में पढ़ती है तो ये इसके जो मैकेनिकल टीचर हैं वो कैलकुलेट मतलब कैलकुलेट करते हैं कि वो जब 6 में होती है ना, तो एक सेकेंड, द मार्क्स इन नो टाइम, और इसमें क्या होता है कि जब स्लॉट में डाला जाता है ना किसी चीज को, तो बिल्कुल मार्क्स क्या होता है बिल्कुल एकदम उसी समय आ जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता मार्क्स देने में, ठीक है, क्योंकि क्या है तो कंप्यूटर है। अब ह्यूमन बींग तो उसमें इतने सारे बच्चे होते थे क्लास में तो टाइम लगते थे, लेकिन अब तो ये तो फ्यूचर का स्कूल है भाई, अब इसमें टाइम लगता नहीं है। तो द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, ठीक है। तो अब जो इंस्पेक्टर हैं ये बहुत स्माइल्ड करते हैं देख के मार्गी को और उसके माथे को थपथपाते हैं, ठीक है। He said to her mother, it's not the little girl's fault. और वो बोलता है कि ये एक छोटी बच्ची का इसका फॉल्ट नहीं है मिसेज जॉन, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड, गियर्ड मीन्स यहाँ पर एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। एक लेवल होता है ना कि जैसे स्टैंडर्ड, जैसे 5 का स्टैंडर्ड, 6 का, 7 का, तो उस तरीके से फिक्स होता है, जो रोबोट होता है ना फिक्स होता है, तभी ना अलग अलग क्लास को उसमें पढ़ सकेंगे, अगर सब मिक्सअप हो जाएगा तो फिर किसको पढ़ेंगे, तो लेवल सेट होता है। तो वही बोला इंस्पेक्टर कि इसमें बच्ची का कोई दोष नहीं है, इसका जो लेवल है ना यही सही से सेट नहीं था, तो इसमें बच्ची का कोई गलती नहीं है, तो इसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है, जो गियर्ड था ना वो लिटिल टू क्विक, वो थोड़ा जल्दी हो जा रहा था बच्चे के हिसाब से, इसके एज के हिसाब से। दोस थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है। हैव स्लॉड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, ये 10 year के लेवल तक चला गया था, ठीक है, और जिसके हिसाब से मार्गी 10 year के हिसाब से छोटी थी, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया था। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, तो अब बिल्कुल मैंने ठीक कर दिया है, अब इसके लेवल को कर दिया है, जो इसका लेवल है, जो इसका प्रोग्रेस है, तो अब ये सेटिस्फैक्ट्री मतलब ये अब सही हो गया है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर वो मार्गी के हेड को फिर पैट करता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी को बहुत बुरा लगता है कि उसका जो मशीन है वो ठीक हो गया। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टूगेदर, अब उसने कहा सोचा था कि टीचर ये मशीन जल्दी से नहीं ठीक होगी और टीचर ये मशीन को लेके चला आएगा, रोबोट को लेके। दे हैड वॉन्स टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड, क्योंकि उसने देखा था कि जब टॉमी का जब ये मशीन जो रोबोट है खराब हो गया था तो हिस्ट्री का जो सेक्टर था ना वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था कम्प्लीटली। तो जो टॉमी के जो आए थे काउंटी इंस्पेक्टर, तो उन्होंने क्या किया था,
वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। हाँ, तो उसने क्या किया था कि उसको लेके साथ में चले गए थे वो एक महीने के लिए, है ना। तो फिर एक महीना उसको पढ़ाई से छुट्टी मिल गया, तो ये भी सोची कुछ ऐसा होगा मेरे साथ, लेकिन नहीं हुआ। वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। फिर उसी उसी समय मतलब उन लोग फिर बुक पढ़ने के लिए मतलब बुक पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब तो होता है, लेकिन उन लोग फिर बुक पढ़ते हैं अगेन। तो अगेन बुक पढ़ते हुए जो मार्गी है वो बोलती है, टॉमी है, वो बोलता है, शी सेड टू टॉमी, वो टॉमी से बोलती है कि कोई कैसे स्कूल के बारे में लिख सकता है, मैं तो स्कूल से इतना हेट करती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब इंसिडेंट उसके साथ होता है। किसके साथ? मार्गी के साथ। और फिर क्या होता है, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। अब टॉमी उसके तरफ ना बिल्कुल सुपीरियर आइज से देख रहा है। सुपीरियर मीन लॉफ, है ना, लॉफ्टली यानी बिल्कुल सुपीरियर, मतलब अपने आप को बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल एटीट्यूड में उस टाइप से। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। अब वो बोलता है कि क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो। अब ये बोल रहा है कि ये हम लोग के जैसा स्कूल नहीं है, ये दूसरे टाइप का स्कूल है जो कि 100 मतलब 100 साल से भी पहले की स्कूल है। ही एडेड लॉफ्टली, ठीक है ना, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरली, ठीक है, केयरफुली, है ना, सेंचुरीज अगो। अब वो बोलता है 100 मतलब क्या होता है, सेंचुरीज होता है, तो सेंचुरी अगो। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी अंदर से उसे बहुत बुरा फील होता है। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, ठीक है। तो वो बोलती है कि मुझे पता नहीं कि ये स्कूल क्या है, कैसा होता है, और पहले के टाइम में ये कैसा होता था। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। तो अब टॉमी बुक को पढ़ता है, वो भी उसके शोल्डर में इस तरीके से झुक के वो भी बुक को पढ़ने लगती है। देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर। तो फिर पूछती है कि अरे उनके क्या टीचर होते थे? तो फिर दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। तो फिर ये टॉमी बोलता है कि हाँ टीचर होते थे और वो मैन होते थे, मैन से मतलब है ह्यूमन बींग होते थे, ठीक है। श्योर दे हैड अ टीचर, बिल्कुल उनके टीचर होते थे, बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर। लेकिन वो ऐसे रेगुलर टीचर नहीं होते थे, जैसे ई टेक्स्ट में होता है ना कि एक टीचर है रेगुलर तो उसी चीज को पढ़ा रहा है। लेकिन पहले क्या होता था, एक क्लास में एक टीचर, और फिर नेक्स्ट जब क्लास मतलब प्रमोट होता था फिर दूसरे टीचर आ जाते थे। तो इसलिए बोलते हैं ये ऐसे रेगुलर टीचर नहीं होते थे, इट वॉज अ मैन, है ना, वो मैन होते थे, ठीक है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो फिर मार्गी बोलती है कि अरे कोई आदमी, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है ना, उसने तो देखा ही नहीं है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। तो फिर वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और बॉयज और गर्ल्स भी होते थे और वो उन्हें समझाते भी थे और होमवर्क भी देते थे और क्वेश्चन भी पूछते थे, ठीक है। रेगुलर मीन्स यहाँ पर क्या है, हेयर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, ठीक है, जो नॉर्मल मतलब जो यूजुअली होता है ना, डेली जो नॉर्मल रेगुलर बेसिस पे कोई भी चीज होता है, ठीक है। हाँ, अब है इसमें, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज। तो फिर वो बोलती है कि अरे कोई आदमी तो वो जरूर वो स्मार्ट नहीं होगा, है ना। तो ये बोलता है श्योर ही इज, हाँ वो होता है, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, है ना, मेरे जो पापा हैं उन्हें पता है टीचर के बारे में, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, हाँ उन्हें बिल्कुल पता है। आई बेचा मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। तो आई बचा, बचा का क्या है कि इनफॉर्मल लैंग्वेज है ये, बेट यू यानी मैं बिल्कुल श्योर हूं किसी चीज के लिए, तो उसी को बोला जाता है आई बचा, ठीक है। मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डू, तो मार्गी इस चीज को ना बिल्कुल भी अग्री नहीं कर पा रही थी, उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, सी सैड। फिर वो बोलती है आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो बोलती है कि मैं किसी भी ऐसे इंसान को अपने घर में पढ़ाने के लिए नहीं बुला सकती। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। तो टॉमी बिल्कुल जोर से हंसने लगता है। यू डोंट नो मच, तुम्हें ना कुछ ज्यादा पता ही नहीं है मार्गी, द टीचर्स डिड नॉट लीव इन द हाउस,
जो टीचर है ना वो हमारे घर में आके नहीं रहेंगे, वो नहीं रहते थे घर में, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। एक स्पेशल बिल्डिंग होता था जहां सब बच्चे पढ़ने जाते थे, है ना, ऑब्वियसली स्कूल के ही स्कूल बोल रहा है, जहां सब बच्चे पढ़ने जाते थे, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और जितने भी बच्चे थे ना वो सारी एक ही चीजें पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और बिल्कुल ये भी श्योर था कि वो एक ही एज के होते होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज टू टॉट डिफरेंटली। अब वो बोलती है मार्गी, लेकिन मेरी मम्मी बोलती है कि एक साथ इतने बच्चों को एडजस्ट करके पढ़ाना, इतने गर्ल्स इतने बॉयज, है ना, वो क्या सोचते हैं, वो किस ढंग से वो समझ पा भी नहीं, मतलब पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, तो ये सब बहुत ज्यादा एकदम डिफरेंट होता है ये सारा चीज। ठीक है, अगर ग्रुप में अगर एक साथ सब कोई अगर पढ़ेगा तो ये चीज तो बहुत दिक्कत है कि कौन बच्चा कैसे समझ रहा है, नहीं समझ, तो ये सब कैसे होता था। डज द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन इफ यू डोंट लाइक इट, तो बोलता है कि हाँ वो इसी तरीके से होता था जो भी होता था, तो लेकिन उसको उस समय का जो था वो समझाने का तरीका जो था वो अलग था, अभी के जैसा ही होता था ना, जस्ट द सेम दे, है ना, डिडंट डू इट दे वे देन, तो बोला जाता था वो सब कोई एक ही जैसा समझते थे, एक ही जैसा पढ़ते थे। अब ये जो टॉमी है वो थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है, फिर वो बोलता है इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें स्कूल पसंद नहीं, बुक पसंद नहीं, तो तुम जा सकते हो, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट, तो फिर वो बोलती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, वो जल्दी से बोलती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इरिटेट हो रहा है, फिर मुझे भगा देगा, फिर मुझे बुक पढ़ने नहीं मिलेगा, और वो बुक को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज्यादा उसको अंदर से इच्छा होता है कि इस बुक में क्या लिखा है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और वो उस तरीके के फनी स्कूल्स को जानने का, पढ़ने की बहुत ज्यादा क्या होती है, इच्छुक होती है, उसे बहुत ज्यादा इच्छा होता है। दे वारंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब वो बुक को आधा तक भी फिनिश नहीं किए होते हैं तो उसकी मार्गी, जो उसकी मम्मी है, उसे बुलाती है। मार्गी स्कूल, मार्गी लुक्ड अप, तो फिर मार्गी को बुलाती है, मार्गी तुम्हारा स्कूल शुरू होगा, तो मार्गी उन्हें देखती है, नॉट येट मम्मा, फिर बोलती है अभी नहीं मम्मी, है ना। नाउ सैड मदर्स जॉन, मिसेस जॉन्स, अब मिसेस जॉन्स ये आ गया थर्ड कैरेक्टर, इसको भी याद रखना है, तो मिसेस जॉन मार्गी की मदर होती है, फिर वो बोलती है कि नहीं अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये मतलब शायद टॉमी का भी टाइम हो गया होगा, है ना, उसके क्लासेस का। मार्गी सेड टू टॉमी, फिर मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, फिर बोलती है कि क्या मैं इस बुक को और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल के बाद, तो फिर मे बी, फिर टॉमी बोलता है मे बी ही सेड नॉनसेंटली ही वॉक्ड अवे विस्लिंग। अब ये नॉनसेंटली क्या होता है, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, है ना, ऑन इंथुजियाज्म यानी केयरलेसली, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से इस चीज का जवाब नहीं देता, ऐसे ही बस कैजुअली बोलता है कि हाँ ठीक है देखेंगे, है ना। ही वॉक्ड आफ्टर विस्लिंग, तो वो फिर सीटी बजाते हुए फिर वो चला जाता है। द डस्ट ओल्ड बुक, डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और जो धूल से भरा हुआ जो बुक था वो अपने आर्म में उस चीज बुक को दबा लेता है। मार्गी वेंट इन टू द क्लासरूम, मार्गी अपने क्लासरूम चली जाती है, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसका जो ये था, उसका जो क्लासरूम था जस्ट उसके बेडरूम के बगल में था, यानी घर में ही क्लासरूम होता था, ठीक है, जहां पर ई टेक्स्ट पे पढ़ते थे। ठीक है, अब देखो ये चीज धीरे धीरे इस चीज को बिल्कुल थ्रू चैप्टर क्लियर किया जा रहा है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर, और मैकेनिकल टीचर वहां होते हैं उस रूम में और वेट करते हैं, ठीक है, उसके लिए, मार्गी के लिए। इट वॉज ऑलवेज ऑन दैट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, तो हर एक दिन उसी टाइम पे जो उसकी टीचर होती है वहां वहां होती है, खाली सैटरडे और संडे को नहीं होती, में भी छुट्टी होता होगा सैटरडे और संडे को, तो इसलिए सैटरडे और संडे को नहीं होती।
बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. तो उसकी मम्मी कहती है कि अगर वो रोज पढ़ेगी तो फिर उसका जो लर्निंग स्केल है वो हर एक दिन अगर वो घंटों पढ़ेगी तो उसका लर्निंग स्केल जो है वो बहुत अच्छा होगा. द स्क्रीन वॉज लिटअप. लिटअप यानी स्टार्ट हो जाता है स्क्रीन एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रिक्शंस बिकॉज प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और फिर उसकी जो टीचर होती है तो आज मैथ्स पढ़ाया जा रहा है तो फिर अर्थमेटिक के लेसन के लिए बताती है एडिशन और फ्रिक्शन जो भी है और बोलती है कि जो यस्टरडे का होमवर्क था उसको स्लॉट में डाल दो. मार्गी डिड सो विथ अ साइन. तो फिर ऐसा करती है मार्गी वैसी करते जो स्टॉक मतलब स्लॉट में वो सारी डाल देती है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल. और वो उस समय भी अपने ओल्ड स्कूल के बारे में सोचती है. ठीक है. दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय. फिर वो सोचती है कि जब उसके ग्रैंडफादर का बच्चे थे ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम. तो जितने भी बच्चे थे वो पड़ोस से आते थे हंसते हुए लाफिंग शाउटिंग चिल्लाते हुए इन स्कूल यार्ड अपने स्कूल यार्ड में. ठीक है. सिटिंग टुगेदर साथ में बैठते थे इन द क्लासरूम. गोइंग होम टुगेदर साथ में घर जाते थे. एट द एंड ऑफ द डे जब दिन खत्म हो जाता था दे लर्न द सेम थिंग्स और वे एक साथ एक ही चीजें पढ़ते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क. और फिर वो एक दूसरे का होमवर्क बनाने में हेल्प भी कर सकते थे एंड टॉक अबाउट इट और उस बारे में बात भी कर सकते थे. एंड द टीचर वर प्यूपिल और जो टीचर होते थे वो सही में लिविंग विंग्स होते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन और जो मैकेनिकल टीचर वो फ्लैश करती है स्क्रीन में व्हेन वी एड फ्रैक्शन. ठीक है. वो फिर फ्रैक्शन के बारे में बताती है जो भी फ्रैक्शन का टॉपिक होता है. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड स्कूल्स. तो फिर वो सोचती है अभी इतना कुछ होता है उसकी टीचर फ्लैश करती है उसे बताती है अर्थमेटिक के फ्रिक्शन के बारे में लेकिन उसका ध्यान कहाँ होता है. वो ये सोचती है कि पहले जो बच्चे थे वो किस तरह से पढ़ते थे एक साथ स्कूल जाते थे. ठीक है. तो इसी चीज को वो सोचती है कि पहले वाले दिन कितने अच्छे होते होंगे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड और वो पहले के जमाने में जिस तरह का फन होता था तो वे किस तरह से एंजॉय करते थे फन करते थे इस चीज के बारे में ये सोचती हैं. तो चैप्टर यही खत्म होता है. इसके मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी. क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा ट्रिकली करना पड़ेगा जैसे बुक में है ना. सिर्फ उस क्वेश्चन को रट लेने से नहीं चलता है क्योंकि इनसाइड क्वेश्चंस भी आते हैं. तो जिस तरीके से चैप्टर को सारा पढ़ाया है तो इसमें से कुछ मैं अपने खुद से भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगी और कुछ बुक से भी क्वेश्चन लेके हम लोग नेक्स्ट सीरीज में उसको सॉल्व करेंगे. आज ही ले लेती तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता था बोरिंग फील होता सबको. ठीक है. तो इसलिए नेक्स्ट सीरीज में मैं इसका क्वेश्चन लाऊंगी और फिर जो अनदर चैप्टर है अनदर पोएम है जो भी है उसको हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट है द रोड नॉट टेकन इसको पढ़ेंगे है ना. तो आज की ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. आज के लिए इतना ही. बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.